और सीधे आपको हरियाणा लिए चलेंगे जहां पर सीएम अशोक गहलोत मौजूद है। क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए आप भी। भैया जी, बस्तीराम जी, डॉक्टर आरती यादव जी, विजय यादव जी, छत्तीसगढ़ के हमारे वरिष्ठ नेता और विधायक सत्यनारायण शर्मा जी, ओपी सैनी जी, लोकेश सैनी, सूरज बोरा जी, संदीप गुप्ता जी, डॉक्टर नरेंद्र श्रीवास्तव जी, चाची चन्नी जी, तमाम उपस्थित बुजुर्गों, भाई और बहनों, नौजवान साथियों, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप सब लोग यहाँ जिस रूम में बैठे हुए उत्साह के अंदर हो। ये आपके अपने राव नरेंद्र सिंह जी जाने पहचाने हैं, हमेशा हरियाणा के लिए आप लोगों के लिए प्रतिबद्ध रहे हैं, समर्पित रहे हैं, आपके सुख दुख में साथी रहे हैं और हमेशा विकास के काम करवाए हैं, जैसा उन्होंने खुद ने भी बताया। एक तरफ तो एक ऐसा नौजवान जिनको आपका आशीर्वाद मिलेगा वो कामयाब होगा तो आने वाले वक्त के अंदर और मजबूती के साथ में काम करेगा। इतने में आपको ये आग्रह करने हाजिर हुआ हूँ कि राव नरेंद्र सिंह जी को आप सब मिलकर के भारी बहुमत से आप इनको कामयाब करें, ये मेरी आपसे गुजारिश रहेगी। जो मैनिफेस्टो में देखा है, जो अभी आपके सामने राव नरेंद्र सिंह ने बताया, मैं समझता हूँ कि ये अपना आप में आप विश्वास नहीं करेंगे, ये बेमिसाल है, बेमिसाल है। और ए भैया डिस्टर्ब मत करो, ए शांत रहो, ये बेमिसाल है। आप 21 तारीख को जोर शोर से काम करना सुबह शाम तक, तब आपके नारे कामयाब होंगे। अभी आप शांति से बात सुनो। तो जिस रूप में घोषणा पत्र जारी हुआ है ये बहुत ही शानदार है। मैं अपने 40-45 साल के अनुभव से कह सकता हूँ, ऐसा घोषणा पत्र मैंने कभी नहीं देखा जो आपके सामने प्रस्तुत किया गया है, जिसमें जन कल्याण को टॉप प्रायोरिटी दी गई है। जो भी आपको इन्होंने सुन के बताया, आप सबकी जिम्मेवारी बनती है कि आप इन द पॉइंट्स को आम जनता तक बात पहुंचती नहीं है, विज्ञापन भी आते हैं तब भी नहीं पहुंचती है। आप कृपा करके अगर आप खुद पढ़ेंगे इनको और बताएंगे कि आस पास के तमाम राज्यों में, राजस्थान भी शामिल है, हमने बहुत अच्छी स्कीम लगाई, रघु शर्मा जी कह रहे थे आपको, शानदार स्कीम हमारी है और स्वास्थ्य के विभाग की बहुत शानदार स्कीमें हैं, कई राज्यों के लोग आते हैं राजस्थान के अंदर, पर इन्होंने जो उसके अलावा वृद्धावस्था पेंशन लगा करके जो महिलाओं को बच्चा होने पर जो उनको लाभ देने की स्कीम बनाई है, एक के बाद एक जो नौकरी देने की बात की है प्रत्येक घर के अंदर, शहीद के परिवार को सरकारी नौकरी 75 लाख रुपये, बेरोजगारी भत्ता 7,000 रुपये, बीए तक का और एमए तक का 10,000 रुपये, इलाज पूरा मुफ्त में होगा, बिजली के दाम आधे हो जाएंगे, 300 यूनिट तक बिजली माफ होगी, कर्मचारियों को पंजाब के समान वेतन दिया जाएगा, आयु 58 से 60 वर्ष हो जाएगी, किसानों के कर्जे माफ होंगे, भूमिहीनों को भी कर्जे माफ होंगे, 33% आरक्षण मिलेगा महिलाओं को और साथ में रोडवेज की बसों में फ्री यात्रा होगी, और बच्चे के जन्म के बाद में 5,000 रुपये प्रति माह हिंदुस्तान में कहीं पे भी नहीं है, जो आपके यहाँ होने जा रहा है। वृद्धावस्था पेंशन 5,100 रुपये प्रति माह, आप सोच सकते हो, सोच समझ करके तमाम योजनाएं जो इनके अनुभव हैं, 10 साल तक आपके यहाँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री रहे हैं और अपने अनुभव के आधार पर उन्होंने सोनिया जी से, राहुल गांधी जी से बात करके मैनिफेस्टो बनाया।
अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम कैसे वर्तमान की जो सरकार है जिसने प्रचार खूब किए हैं, नाकारा है, निकम्मी है, जुमलेबाजी वाली सरकार है, जिस प्रकार दिल्ली की जुमलेबाजी सरकार है उसी प्रकार से जुमलेबाजी करती रहती है। कई बार फायरिंग हो चुकी है, कई लोग उस पर तकलीफ में आए हैं, सामाजिक सौहार्द बिगड़ा है आपके यहाँ, कर्मचारियों के धरने हुए उनकी परवाह नहीं की गई है, महंगाई बढ़ती जा रही है, सीमेंट के कट्टे तो हमारे वहाँ 240 हो गए या 390 हो गए हैं। एक प्रकार से कई इन्वेस्टमेंट लाने के लिए यहाँ पर सबमिट किए गए, कोई इन्वेस्टमेंट आया नहीं है। तो आपके सामने है, एक तरफ तो हुडारी की सरकार थी, एक तरफ आपके यहाँ खट्टर की सरकार है। मैं आपसे निवेदन करूँगा कि एक मौका आप पुनः दीजिए, हुडारी को दीजिए, कांग्रेस को दीजिए, आप देखेंगे कि हरियाणा आने वाले वक्त में अगर आप कामयाब करते हो इस चुनाव में इस मैनिफेस्टो के आधार पर, तो मैं ये कह सकता हूँ दावे के साथ में, हरियाणा देश का मॉडल राज्य के रूप में उभर के आएगा, ये मैं कह सकता हूँ आप। इसलिए कृपा करके आप चुनाव में कोई कमी नहीं रखें, क्योंकि हमने देखा है जिस प्रकार के चुनाव हो रहे हैं, मोदी जी प्रधानमंत्री बने देश के, 14 के अंदर पहली बार बने, लोगों ने विश्वास किया उनके ऊपर, जो जो उन्होंने कहा, मैं दुनिया के मुल्कों से काला धन लेके आऊँगा, एक रुपए लेके नहीं आए हो, मैं 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा प्रतिवर्ष, भूल गए 15 लाख रुपए खाते में लाने की बात जिक्र नहीं। जो वादे 14 में किए थे मोदी जी ने, और लोग मोदी 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 बोलते थे, आप मुझे बता दीजिए अब जो बोलते हैं वो, उन वादों का क्या हुआ, कोई पूछने वाला है उनसे? क्या वो खुद बोलते हैं कि मैं पहले मैंने वादे किए थे ये मैंने निभाए, ये मैं नहीं निभा पाया हूँ? ये लोकतंत्र वोटों का राज, महात्मा गांधी का, पंडित जवाहरलाल नेहरू का, सरदार वल्लभ भाई पटेल का, मौलाना अबू कलाम आजाद का दिया हुआ देश को है, संविधान बनाया डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने, 70 साल तक इसको कायम रखा कांग्रेस ने, और ये जो बात बोलते हैं 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया, जब आजाद हुए थे हम लोग तो सुई नहीं बनती थी यहाँ पर, वही बाहर से आती थी, ये बिजली क्या होती है लोग समझते नहीं थे गाँव के अंदर, आज क्या नहीं इस मुल्क के अंदर है, जिस रूप में गुमराह किया जा रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से नौजवान पीढ़ी को, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। इतिहास को तोड़ेंगे मरोड़ेंगे ये लोग, कभी ऐसे लोग कभी इतिहास बना नहीं पाएंगे। तो मैं कहना चाहूँगा आपको कि जिस प्रकार से वादे किए गए थे उन वादों को सरकार भूल चुकी है, इस चुनाव फिर वो कामयाब हो गए, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि ये लड़ाई जो है, आप माई बाप बैठे हुए हो, आप जिसको वोट देते हो वो सरकार बनाता है, जो चुनाव में खड़ा होता है, चाहे गांव का सरपंच हो या MLA MP का उम्मीदवार हो, वो पैरों का हाथ लगाता है, आशीर्वाद मांगता है, लेखा जोखा देता है कि मैं क्या किया मैंने आज तक, क्या करूँगा मैं आगे, फिर आप फैसला करते हो किसको वोट देना है। दुर्भाग्य से मोदी जी के राज के अंदर ना नीति है, ना कार्यक्रम, ना सिद्धांतों की बात की जा रही है। हमारी कोई मोदी जी से दुश्मनी नहीं है, ना BJP से है, ना कोई RSS से है, लड़ाई हमारी नीतियों की है, कि कांग्रेस की नीति है शानदार है, 70 साल में इंदिरा गांधी शहीद हो गई प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए, फिर तो खालिस्तान नहीं बनने दिया, ये हमारी नीति थी, क्या जान दे दी अपनी, और मरने के पहले इंदिरा गांधी ने कहा, मरने के पहले वो एक महिला थी, प्रधानमंत्री थी, 16 साल तक राज किया, महिलाओं का मान सम्मान बढ़ाया दुनिया में, उन्होंने कहा मेरी जान भी जा सकती है, और अगर मेरी जान जाएगी तो मेरे खून का एक एक कतरा देश को मजबूती प्रदान करेगा, ये कहा था उन्होंने। ये नीति कांग्रेस की नीति थी। सरदार बैन सिंह जी थे पंजाब मुख्यमंत्री, नेस्तनाबूद कर दिया आतंकवाद को वहां पर उन्होंने,
पर मुख्यमंत्री पद पे रहते हुए वो भी शहीद हो गए, उनकी हत्या कर दी गई। ये कांग्रेस नीति थी, जान चली जाए परवाह मत करो, ये मुल्क एक रहना चाहिए, अखंड रहना चाहिए, मजबूत बनना चाहिए। राजीव गांधी जी शहीद हो गए, बम से उड़ा दिए गए। तो आज़ादी के पहले भी कांग्रेस के लोगों ने जेलों में 8-10 साल बिताए थे, पंडित नेहरू वगैरह ने। पूछो इनको, इन लोगों ने क्या आज़ादी जंग के अंदर बीजेपी के लोगों ने अपनी एक उंगली भी कटाई है क्या, ये मैं पूछना चाहता हूँ। एक उंगली नहीं कटाई इन लोगों ने। ये आज़ादी जंग के अंदर जब हम गुलाम थे अंग्रेजों के, उस वक्त में या तो ये मुखबरी करते थे या उनका साथ देते थे अंग्रेजों का। ये वो लोग हैं, किस मुँह से बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं वो आपको हमको समझना पड़ेगा। कई बार ऐसा दौर आता है कि लोग भावना में बह जाते हैं, जैसे कि अभी बह गए राष्ट्रवाद के नाम पे। क्या हम लोग यहाँ बैठे हुए लोग हैं राष्ट्रवादी नहीं? हम लोग राष्ट्रभक्ति में हमारे में कोई कमी है क्या? राष्ट्रभक्त बनने के लिए हमें बीजेपी से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा हम लोगों को? ये आपको सोचना है। ये राष्ट्रवाद की बात करते हैं, धर्म के आधार पर राजनीति की बात करते हैं, सेना के पीछे छिपके बात करते हैं, सेना के बारे में बात करते हैं। जैसे कि सेना का पराक्रम तो हमेशा रहा है, हरियाणा के अंदर भी कितने शहीद हुए होंगे, राजस्थान में सैकड़ों शहीद होते हैं हर साल। आप बताइए 62 का युद्ध हो चाहे 65 की लड़ाई हो पाकिस्तान के साथ में, 71 में इंदिरा गांधी थी प्रधानमंत्री, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश अलग बन गया। अब बांग्लादेश बना तो वहाँ पे मालूम है आपको हमारी सेनाओं के पराक्रम और शौर्य की गाथाएं। 93,000 पाकिस्तान के जनरल कर्नल मेजर सैनिकों के हथियार सहित सरेंडर करवा दिया इंदिरा गांधी ने। क्या वो सेना का पराक्रम नहीं था उस वक्त में? ये उसके नाम से वोट मांगते हैं मोदी जी, इंदिरा गांधी ने कभी उनके नाम से वोट नहीं मांगे कि सेना के हमारे पराक्रम बहुत शानदार मैंने करवा दिया। तो मैं कहना चाहूँगा आपको, इनकी कथनी करनी में अंतर है, इनकी नीति नीति और नीयत एक नहीं है। ये लफाजी करके सब संस्थाओं को बर्बाद कर रहे हैं, देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ती जा रही है। आप अंदाज लगा लो, जो वित्त मंत्री है अभी निर्मला सीतारमन जी, उनके पति ने परसों कहा है, पूरा लेख लिखा है कि ये सरकार को आर्थिक स्थिति के बारे में कोई जानकारी नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, पंडित नेहरू की जो समाजवादी नीतियाँ थी उसे किनारा कर रही है। नंबर तीन, इस सरकार को चाहिए, मोदी सरकार को चाहिए, इसका मतलब वो अपनी पत्नी को भी कह रहे हैं, वो वित्त मंत्री है, उनको चाहिए कि जो नरसिम्हा राव जी की और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जब वित्त मंत्री थे उनकी नीतियों को लेके आगे बढ़ना चाहिए, तब जाके देश बचेगा। आप बताइए, ये हालात थे देश के अंदर, ये हालात थे। अभिजीत बनर्जी जो परसों नोबेल पुरस्कार मिला, उसने कहा देश की अर्थव्यवस्था बहुत गर्त में जा रही है। आप ये जो समझते नहीं है, वो निर्मला सीतारमण जी कल अमेरिका से बोल रही है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बारे में, मिस्टर राजन थे आरबीआई गवर्नर, उनके बारे में कमेंट कर रही है, जिनको खुद को ज्ञान नहीं है वो उनके बारे में कमेंट कर रही है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बारे में, जिसको पूरा दुनिया के मुल्क उनका लॉ